या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। जो इस्तेमाल शुदा पानी होता है उसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, इनका सवाल ये है। मसलन ये कि इसी पानी की बाल्टी में किसी बेवजू या बेगसल शख्स ने हाथ डाल दिया, या वजू गसल तो था लेकिन दोबारा किसी सवाब की नीयत से उसमें हाथ डाल दिया, हाथ धोने के लिए, मिसाल के तौर पर खाना खाने के लिए, इस सूरत में वो पानी से वजू गसल नहीं हो सकता जिसको इस्तेमाल वाला पानी कहते हैं, मुस्तमल पानी कहते हैं या इस्तेमाल शुदा पानी कहते हैं, तो उनको दूसरे किस काम में लाया जा सकता है। तो इस्तेमाल शुदा पानी से खाने पीने वाले मामले जो है ना हैं तो वो भी जायज़, लेकिन वो मकरूह तंज़ीह ही हैं। मिसाल के तौर पे इस्तेमाल शुदा पानी पीना ये मकरूह है, जैसा कि अक्सर लोग पीते भी हैं, लेकिन इसी तरह उससे आटा वगैरह गूंदना पानी से खाने वगैरह के मामले में, या सालन के लिए पानी चढ़ाना, चाय के लिए उसका पानी का इस्तेमाल करना, ये काम तमाम बातें मकरूह तंज़ीही कराहत के साथ हैं। यानी अगर कोई करेगा तो गुनाह नहीं है, उसको काम उससे चल जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई जग रखा था पानी का, बेवजू शख्स था लेकिन पाक था, जैसा अक्सर होता है ख़वातीन के साथ के हाथ भी नहीं धोती या धो लेती हैं तो वजू टूटने वाला मामला हो जाता है, हवा पास हो गई और हाथ धुला था वो बेधुला हो गया, फिर जैसे खाना वगैरह बनाते हुए उसमें हाथ डाला पानी में, जग उठाया उंगली चली गई, तो ऐसे कॉमनली आजकल घरों में यूज़ होता है, इसलिए गुनाह नहीं है। नापसंदीदा यह है कि अगर औरत जो है आटा गूंदने जाएगी तो हाथ अगर उसने नहीं धोए तो फिर वो जो पानी हाथ से डालेगी या पानी में हाथ डालेगी वो फिर वो होगा तो वो भी मकरूह, और उससे भी आटा गूंदा जाएगा, और इससे आटा गूंदा जाता भी है कि ख़वातीन इसका ख्याल नहीं रखती, लेकिन रखना चाहिए कि जब आटा गूंदना चले तो या तो अच्छे से हाथों को धो लें, और इस दौरान हाथ धोने के बाद वज़ू टूटने वाला कोई काम ना पाया गया हो तब तो इस सूरत में जो है वो करें, वरना वो जो जग से या मक्के से पानी लेके आटे वगैरह में डालते हैं तो इससे फिर आटा जो पानी वो मकरूह पहले ही हो जाता है और फिर उसी से आटा गूंदा जाता है, तो इससे भी बचना चाहिए। हाइजा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आटा गूंद सकती है, मसला पहले भी बताया जा चुका है कि हाइजा के हाथ डालने से पानी इस्तेमाल शुदा नहीं होता, क्योंकि वो पानी उसको तहारत को नहीं धो सकता, जो पानी किसी की तहारत को धो दे वही पानी इस्तेमाल शुदा होगा, जो पानी तहारत को धो ना पाए तो वो इस्तेमाल शुदा नहीं होगा। तो आटा वगैरह गूंदने में, पीने में, खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करना मकरूह तंज़ीह ही है, यानी कर सकते हैं, जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं है, और होता भी है तो उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। एक मिसाल मैंने आटे की दी, या ख़वातीन काम करते हुए किचन के अंदर हाथ वगैरह पानी में डल जाता है तो उस बात उससे बेहतर है कि हाथ को धो लिया जाए ताकि वो हाथ उसमें डले तो फ़र्क ना पड़े। दूसरा ये कि अगर ज़्यादा पानी है, जैसे बाल्टी में किसी ने हाथ डाल दिया, तो उससे दूसरे जायज़ काम हो सकते हैं, कपड़े भी धुल सकते हैं, नापाक कपड़े पाक भी हो सकते हैं, फ़र्श वगैरह धोया जा सकता है, गमलों में डाला जा सकता है, टॉयलेट वगैरह साफ़ करना चाहें तो वो भी हो सकता है, तो उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। पीने से परहेज़ करें, खाने पीने उसके अलावा दूसरे काम जो है वो कर लें तो उसमें दिक्कत नहीं, वजू गुसल नहीं हो सकता, बस खाने पीने में नहीं हो सकता, इन दो से बचकर बाकी सब काम हो सकते हैं। पौधों वगैरह में डालना हो, फर्श धोना हो, टॉयलेट वगैरह, कपड़े वगैरह धुलाई, ये सब इस्तेमाल शुदा पानी से कर सकते हैं। इसको फेंकना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है शायद सवाल में कि इसके दूसरे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उस पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए कि बाल्टी भरी हुई थी, वहम और गुमान हुआ कि किसी ने इसमें हाथ डाला और उस बाल्टी को लोग पूरा पलट के फेंक देते हैं फिर नहीं भरते हैं। कुछ लोगों को तो ये वाकई में ख़वातीन के अंदर वहम होता है नजासत को और पानी को लेके, उनके दिल में शक पैदा होता रहता है कि शायद ये बाल्टी नापाक है, इसमें इसने हाथ लगा दिया, बाहर भी किसी शख्स ने अगर नापाक हाथ उनका खुद का लग गया किसी ने लगा दिया तो वहम होता है कि अंदर का भी पानी नापाक हो गया, फिर ये वहम के चलते पानी जो है ना फेंक देती हैं। तो इसको जो है ना टॉयलेट में बहा दें, दूसरे सही काम कर लें, फेंकने की इसको ज़रूरत नहीं है। कब से अपनी खताओं का शुमारा